रोग समाधान में आपका स्वागत है। आज हम आपको बेल पत्थर से कैसे अपने पेचिस को ठीक कर सकते हैं इसके बारे में कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं। जो आपको हम घरेलू नुस्खे बता रहे हैं ये बहुत सारे वैद्यों से परामर्श करके आपको बता रहे हैं, आप इनको इस्तेमाल कीजिए और जब आपको लाभ हो सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं और जो आपको नुस्खे बता रहे हैं आज हम पेचिस के ऊपर बता रहे हैं, इससे बहुत सारे पेट के रोग ठीक होते हैं। बाकी के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे, इसमें केवल हम पेचिस के बारे में कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं आपको। घरेलू नुस्खे में नंबर एक, सूखा बेल पत्थर का पाउडर और धनिया पाउडर आधा आधा चम्मच और मिश्री एक चम्मच मिलाकर सुबह शाम पानी के साथ लेने से पेचिस ठीक हो जाते हैं। पेचिस के कारण कई बार दस्त के अंदर खून आता है, इस पाउडर के लेने से दस्त के साथ जो खून आता है वो भी बंद हो जाता है। नंबर दो, सौंफ को पीस कर पाउडर बना लें, सौंफ पाउडर 3 चम्मच और सूखा बेल पत्थर का पाउडर 3 चम्मच और सौंठ पाउडर 2 चम्मच, इन तीनों को 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब आधा रह जाए तब ठंडा होने पर छान लें। ये पानी सुबह शाम पीने से पेचिस ठीक हो जाते हैं। नंबर 3, बेल पत्थर का मुरब्बा प्रतिदिन खाने से पेचिस में आराम मिलता है। इसका गोंद भी दस्त में और पेचिस में लाभकारी होता है। आजकल बेल पत्थर की आंवला मुरब्बा की तरह गैंडी आनी शुरू हो गई है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 सुबह शाम आंवला गैंडी बेल पत्थर की गैंडी खाएं, इससे भी आपका पेचिस रोग में लाभ मिलता है। इस बेल पत्थर का बोटेनिकल नाम एगल मरमोलस है और ये रुस्टेसिया फैमिली से का सदस्य है। इंग्लिश में इसको वुड एप्पल कहते हैं। बेल पत्थर का फल, पत्ते, छाल और जड़ सभी दवा के रूप में काम आते हैं। बेल पत्थर के जो पोषक तत्व हैं इसमें कैल्शियम, पोटासियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन और विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी तथा कई ऑर्गेनिक कंपाउंड व एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, इन्हीं कारणों की वजह से है बहुत ही फायदेमंद फल है। आज हम आपको इससे पेट के पेचिस कैसे ठीक करेंगे अगली वीडियो में बताएंगे कि पेट के दूसरे रोग इससे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसलिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लाभ हो सब्सक्राइब वैसे कीजिए, कोई डाउट हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं।